रेलवे की दफ्तर से चोरी करके लाए हैं भाई साहब। लेकिन आप जो कहते हैं ना, आपका सब मेंबर कहते हैं कि कांग्रेस की 50 साल में कुछ नहीं हुआ, आपका 50 साल में बहुत कुछ हो गया, हथियार बरसने लगे हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, उस दिन कोई कहते थे कि कुछ नहीं किया कांग्रेस, आप जानते हैं जिस दिन उद्घाटन करने के जा रहे थे उस दिन भी एक गाय को सामने आने के बाद उनको कुचलने का चलते वो उद्घाटन भी बंद हो गया था। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ आपका? रेलवे की दफ्तर से चोरी करके लाए हैं भाई साहब। अब जब फेल करोगे हमें बोलना ही पड़ेगा, इसलिए इसलिए इंडियन रेलवे डज नॉट हैव एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू अट्रैक्ट एंड एग्रीगेट ट्रैफिक ऑफ स्मॉलर पार्सल साइज। हम सजेशन देते हैं, देयरफॉर इट हैज बीन लॉसिंग आउट ऑन हाई पोटेंशियल मार्केट सच एज FMCG, hazardous materials or automobiles and containerized cargo. Most of this traffic is transported by roads. आपको मतलब वो जो छोटा सामान जो होते हैं FMCG, जो छोटा सामान कहते हैं ना, गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, हाँ कंज्यूमर गुड्स, तो वही तो कह रहे कंज्यूमर गुड। मैं तो वही कहा, मैं तो कंज्यूमर गुड ही कहा ना। द फेट बास्केट इज ऑल्सो लिमिटेड टू फ्यू कॉमोडिटीज। मैं आपको इसलिए सजेशन दे रहा हूं आपकी अच्छा के लिए, हिंदुस्तान की रेलवे की भलाई के लिए। FMCG की बात इसलिए कहा हूं कि ये शेयर चले जाते हैं। अगर आप बुलेट ट्रेन की सपना देखते हैं तो हमारा फेट ट्रेन की क्यों सपना नहीं देखता? वो सपना हमने देखा था, इसलिए डेडिकेटेड फेट कॉरिडोर की सपना हमने साकार करने के लिए कोशिश किया था। ये कहीं गलत है? आप बताओ, आप ये काम नहीं कर पाते हैं। द फेट बास्केट इज ऑल्सो लिमिटेड टू फ्यू कॉमोडिटीज, मोस्ट ऑफ व्हिच आर बल्क इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, कोल कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 44% ऑफ फेट रेवेन्यू, 25% ऑफ द टोटल इंटरनल रेवेन्यू। देयरफॉर एनी शिफ्ट इन ट्रांसपोर्ट पैटर्न ऑफ एनी ऑफ दिस बल्क कॉमोडिटीज वुड अफेक्ट रेलवे फाइनेंस सिग्निफिकेंटली। मैं सचेत करता हूं आपको, ये चैलेंज है रेल के सामने। मैं रेल के सामने जो चैलेंज है वही बता रहा हूं। आप ये मत भूलिए कि रेल हमारे एक सोशल कमिटमेंट भी है, सोशल सर्विस भी हम रेल के जरिए करते हैं, सिर्फ कमर्शियल अंडरटेकिंग्स नहीं है। हाँ, कमर्शियल अंडरटेकिंग जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा सोशल ऑब्लिगेशन भी है। इसलिए द कमिटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग रेलवे 2015 हैड नोटेड दैट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ रनिंग पैसेंजर बिजनेस आर नॉट साइंटिफिक एंड एक्यूरेट, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्यूट एक्यूरेटली द लेवल्स ऑफ अंडर रिकवरीज। ये आपको मैं बता रहा हूं कि एनटीडीपीसी रिपोर्ट 2014 हैड नोटेड इन इंडिया द एवरेज फेट रेवेन्यू पर NTKM इज वन ऑफ द हाइस्ट इन द वर्ल्ड, सेकेंड ऑनली टू जर्मनी। इन कंपेरिजन द एवरेज रियलाइजेशन पर PKM इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। रेलवे शुड बी आर सोशल ऑब्लिगेशन व्हेन इट वर्क्स एज ए कमर्शियल डिपार्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट। नीति आयोग वो चाहते हैं कि सारे चीज आम जनता के ऊपर छोड़ दो, भाड़ा किराया, सफर करने के लिए किराया बढ़ाने की जरूरत, इजाफा करने की जरूरत हो तो आम लोगों के ऊपर छोड़ दो, लेकिन हमारे कुछ सोशल ऑब्लिगेशन है, ये सोशल ऑब्लिगेशन को हमें रक्षा करना चाहिए। मैं जरूर ये कहता हूं। और साथ साथ गोयल साहब, बंगाल में आप पैसा नहीं दे रहे हैं, अब बंगाल को कुछ पैसा दिया करो। बंगाल आपका ही हिस्सा है और बंगाल में बीजेपी चाह रहे हैं कुछ करके दिखाए, तो करके दिखाने का पहले रेल को हुआ घुसाने का इंतजाम करो। अगर रेल जब चले जाएगा आप भी दिल्ली से बैठ के चले जा सकोगे, लेकिन बंगाल में आप कुछ नहीं पैसा दे रहा हूं। हमारा डिस्ट्रिक्ट पिछले बार डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद एक कसीम बाजार स्टेशन हुआ, इंजीनियर की डिफॉल्ट के लिए लोगों को जिस तरीके की हैरानी साइन अप पड़ता है वो आपको बयान नहीं कर सकता मैंने। तो इसलिए हम आपको ये कहते हैं कि हमारी तरफ से हमारी देश की रेलवे की तरक्की के लिए सहयोगिता की कोई अभाव नहीं होगा, लेकिन आपको नियत और नीति साफ करना चाहिए। ये नीति और नियत अगर आप साफ सुथरा कर लो, हमारी तरफ से सहयोग की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान की रेल आपका है, मेरा है, हम सबका है। नमस्कार।